प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है देखो, इट रिप्रेजेंट द टेक्नोलॉजी रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट. टेक्नोलॉजी मीन्स ओनली मशीन्स. टेक्नोलॉजी रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट इट इज रिटन एज क्यू एफ एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट डॉट. हियर एक्स इज द आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन. एक्स किस क्या कर रहा है, हमारा आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है. एफ इज द फंक्शन एंड एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री मतलब उसको नाम दिया गया है लैंड लेबर और कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन को एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री करके. देयरफोर प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ लैंड लेबर मतलब लैंड को कैपिटल को लेबर को और ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स फर्म को, सबको यूज करके जो हम प्रोड्यूस करते हैं. द प्रोडक्शन फंक्शन स्पेसिफाइज द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट. हम सबको यूज करने के बाद हम क्या सोचते हैं, हमारा मैक्सिमम आउटपुट निकले. कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन कंबाइनिंग अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, सपोज द फर्म इज प्रोड्यूसिंग वन आउटपुट विद द हेल्प ऑफ टू इनपुट. मतलब हम इनपुट डालते हैं तो दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है. दो मतलब इनपुट ज्यादा देना और आउटपुट कम देना है. मतलब दो से ज्यादा अगर हम इनपुट डालेंगे लेकिन सबका इनपुट निकल इनपुट को यूज करने के बाद सिर्फ एक ही आउटपुट निकले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट. और टोटल प्रोडक्ट का एक अच्छा सा डेफिनेशन लिख लो. टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सम पीरियड ऑफ टाइम बाय कंबाइनिंग पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर्स मतलब जो दो या तीन जो इनपुट देते हैं हम लोग वो वाला. विद द फिक्स्ड फैक्टर इसको हम लोग टोटल रिटर्न्स भी पूछते हैं. कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है कि टोटल रिटर्न्स किसको बोलते हैं, तो टोटल प्रोडक्ट को ही टोटल रिटर्न्स भी बोलते हैं. ओके, सी इन द बुक देन. The production function of the firm is Q, F, X1 and X2 that is input and Q represent the quantity of total product and X1, X2 represent the two input. Again assume that two input of X1 and X2, the quantity of X2 remain fixed and the quantity of X1 is variable. Therefore, for different values of x1, we shall then get different values of q. इसमें दो इनपुट को लिया गया है तो एक क्या किया, एक को वेरिएबल कर दिया है और एक को क्या किया, कॉन्स्टेंट कर दिया है. तो जो वेरिएबल फैक्टर्स होता है कभी कभी हम जरूरी तो नहीं है जो चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारा सही प्रोड्यूस हो, हमारा सही आउटपुट निकले, ऐसा तो होता नहीं है. तो इससे क्या होता है, फर्म को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जब वो कोई सामान प्रोड्यूस करते हैं
तो उनको कभी कभी वो किसी चीज को वेरिएबल फैक्टर्स को कम भी करते हैं, कभी किसी चीज को बेसी भी करते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा जो आउटपुट लेवल है वो हर बार अलग अलग निकलता है। दीज वैल्यूज ऑफ क्यू गिव अस टोटल आउटपुट ऑफ एक्स वन फ्रॉम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वन। एक्स वन को हम कभी किसी को फिक्स करते हैं तो कभी किसी को वेरिएबल करते हैं, तो अगर हम अलग अलग सबको जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारा उनको अगर हम अलग अलग क्वांटिटी में चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, क्वांटिटी भी तो चेंज निकलेगा। फीचर्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट का फीचर्स क्या बोलते हैं। द क्वांटिटी ऑफ टोटल प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट एम्प्लॉयड। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बनाते हैं हम वो हमारा किस पे डिपेंड होता है, हम जो इनपुट दे रहे हैं उस पे डिपेंड होता है, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू प्रोबेबल आउटपुट नॉट एक्चुअल आउटपुट। टोटल प्रोडक्ट क्या रेफर्स करता है, टू प्रोबेबल आउटपुट नॉट एक्चुअल आउटपुट। मतलब हम जरूरी नहीं है ना कि हम जितना इनपुट देंगे उतना ही हमारा आउटपुट निकलेगा, कभी कम भी निकलता है और कभी बेसी भी निकलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट ऑफ इनपुट इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, हम लोग जितना यूनिट्स दे रहे हैं और कितना इनपुट, कितना यूनिट्स ऑफ इनपुट दे रहे हैं। टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट ऑफ इनपुट, तो हम जितना टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें टोटल प्रोडक्ट हम किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट से, उसी को हम लोग एवरेज प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अच्छा सा एक डेफिनेशन लिख लो। इसमें क्या होता है हम लोग को एक एक पर यूनिट का दाम निकालना होता है, टोटल आउटपुट जितना हमने, टोटल इनपुट हमने जितना दिया डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्ट ऑफ टोटल इनपुट। फॉर एग्जाम्पल इफ क्यू इज अ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट and x is the quantity of variable input, then average product will be q divided by x, मतलब total quantity of output divided by quantity of variable input, ठीक है। It means that average product is the average productivity of unit of output, मतलब एक एक units का हम लोग को product का दाम निकालना है। When average product increases, अगर हमारा average product increase करेगा द फर्म गेन मोर बाय इंक्रीजिंग ऑफ आउटपुट, तो हमारे फर्म को उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगेन इफ अ फर्म अप्लाईज 7 यूनिट ऑफ लेबर एंड प्रोड्यूसेस 105 यूनिट ऑफ टोटल आउटपुट, अगर हमारा फर्म 7 यूनिट ऑफ लेबर देता है और हमारा टोटल कितना निकलता है प्रोड्यूस होके 105 यूनिट, देन द एवरेज प्रोडक्ट विल बी 105 डिवाइड बाय 7, टोटल कितना यूनिट्स निकल गया 15 यूनिट्स। मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल मतलब एडिशनल ऑफ प्रोडक्ट, इफ एनी इनपुट इज एडिशनल आउटपुट विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एम्प्लॉइंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ दैट इनपुट। कभी कभी क्या होता है हम सोच रहे होते हैं कि हमें ज्यादा, मतलब हम डिसाइड करके जाते हैं ना कि हमें इतना ही प्रोड्यूस करना है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं हम एडिशनल इनपुट हो जाते हैं, तो हम एडिशनल इनपुट देने से हमारा एडिशनल आउटपुट भी तो निकलेगा। हेंस एडिशनल प्रोडक्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट, मतलब हम जब आउटपुट हम लोग को ज्यादा चाहिए होगा तो हम इनपुट भी तो एक यूनिट ज्यादा देंगे, तो इससे क्या, उसी को क्या बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। डेफिनेशन लिखो। मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, इज डिफाइंड
as the change in total product resulting from additional unit of variable अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या होता है अगर हम एक यूनिट ऑफ वेरिएबल भी अगर चेंज करते हैं जो इनपुट डालते हैं अगर उसमें एक यूनिट भी अगर हम चेंज करते हैं तो हमारा आउटपुट भी चेंज हो जाता है रिटर्न इरेज कर दूं पूरा फॉर एग्जांपल व्हेन अ फर्म अप्लाइज 7 यूनिट ऑफ लेबर एंड प्रोड्यूसेस 105 units as total product 7 units of labor देंगे तो हमने 105 units of total product produce किया if increases in one more unit of labor अगर हम एक unit और ज्यादा दे देते हैं labor का मतलब 7 था और क्या हो गया 8 हो गया total product increase from 105 to 115 units मतलब हमारा total product भी increase हुआ here marginal product is 115 माइनस 100 मतलब कितना पहले हमारा कितना था अभी हमारा 115 हुआ मतलब एडिशनल होने ऐड होने के बाद और पहले कितना था 105 तो 10 यूनिट्स हमारा क्या हो गया मार्जिनल मतलब जो एडिशनल हमने दिया मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीज देन स्टार्ट डिक्रीज मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज करता है और फिर ये धीरे-धीरे डिक्लाइंस करता है